Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. So the Realme X50 Pro smartphone is going to launch on 24th of February in India, and ये India का first ever 5G smartphone होने वाला है या हो सकता है हमें कोई और smartphone India में first ever 5G smartphone के तौर पे मिल जाए. But still, nevertheless, Realme का upcoming flagship smartphone बहुत जल्दी आने वाला है, and बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि भाई ये स्मार्टफोन उनको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो हम दो वीडियो शूट कर रहे हैं. पहली वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या टॉप पांच रीजंस हो सकते हैं आपके लिए Realme X50 Pro स्मार्टफोन को खरीदने के, एंड पांच रीजंस मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों आपको Realme X50 Pro स्मार्टफोन नहीं परचेज करना चाहिए. ऑफ कोर्स ये मेरे ओपिनियन है, एंड जो भी डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है ये वीडियो उन पे बेस्ड है, एंड अभी हमारे पास ये स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है. सो रियल लाइफ जो इसका रिव्यू वगैरह होगा वो भी आपको मैं बहुत जल्दी दे दूंगा. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉप 5 रीजंस फॉर यू टू बाय द Realme X50 Pro स्मार्टफोन. सो पहला रीजन आपका Realme X50 Pro को परचेज करने का ये रहना चाहिए कि इसका डिस्प्ले जो है वो हमें एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है. अगर आप इसके वेनिला Realme X50 स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता था, एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया था. लोगों को पंची कलर्स चाहिए, एक वाइब्रेंट कलर्स वाला डिस्प्ले चाहिए जो हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट Realme X50 Pro स्मार्टफोन में हमें 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, अगेन विच इज नॉट यू नो अ वर्ल्ड चेंजिंग फीचर. 90Hz और 60Hz में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल ऑन पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिकली कह लीजिए 90Hz इज गोइंग टू बी ऑल द वे मोर फ्लूइड एंड ऑल द वे मोर फास्टर व्हेन कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले. दूसरा रीजन Realme X50 Pro स्मार्टफोन को परचेज करने का रहेगा इसके कैमरास, एंड Realme X50 Pro में इन टोटल हमें 6 कैमरास देखने को मिलेंगे. 4 कैमरास ऑफ कोर्स हमें रियर पे देखने को मिलेंगे, एंड फ्रंट पे भी हमें 2 कैमरास देखने को मिलेंगे डुअल पंच होल एक पिल शेप्ड लेआउट में, जैसा कि ये पोको X2 स्मार्टफोन में है या फिर बहुत सारे और स्मार्टफोन्स में हमें एक डुअल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट Realme X50 का जो वनीला स्मार्टफोन था, बेसिक वेरिएंट था, उसमें भी हमें एक डुअल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था. तो कैमरा जो Realme X50 Pro स्मार्टफोन का है मे बी आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है. बिकॉज रियर कैमरास की बात की जाए तो Realme X50 Pro स्मार्टफोन में हमें एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें हमें 20x तक की जूमिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी. एंड फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो हमें 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा. सो मे बी जो कैमरा एंथुसियास्ट्स हैं या फिर जिनको अपने स्मार्टफोन में कैमरास वगैरह चाहिए अच्छे वाले, सेल्फीज वगैरह लेने का जिनको शौक है, सोशल मीडिया पर वीडियोज वगैरह पोस्ट करने का, फोटोज वगैरह पोस्ट करने का शौक है, उनके लिए Realme X50 Pro स्मार्टफोन एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है. तीसरी रीजन Realme X50 Pro स्मार्टफोन को परचेज करने की रहेगी इसकी प्रोसेसिंग पावर, एंड ऑफ कोर्स Realme X50 Pro स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon के 865 5G प्लेटफॉर्म पर रन करने वाला है. ऑफ कोर्स इट इज द लेटेस्ट प्रोसेसर, एंड Realme X50 Pro इज गोइंग टू बोस्ट ऑफ दैट. साथ ही साथ हमें अप टू 12GB की LPDDR5 RAM देखने को मिलेगी, एंड 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी. सो जहां तक स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर की बात है, Realme X50 Pro इज गोइंग टू बी नो स्लाउच एंड एक अच्छा खासा मॉन्स्टर ऑफ अ स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है. चौथा रीजन Realme X50 Pro को परचेज करने का अगर होगा तो वो होगा कि इसकी बैटरी जो होने वाली है, बैटरी कैपेसिटी के बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल बैटरी की चार्जिंग स्पीड की कंफर्मेशन आ चुकी है. 65 वॉट्स की सुपर डार्ट चार्जिंग स्पीड हमें Realme X50 Pro स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है. एंड जहां तक सुपर डार्ट चार्जिंग की बात है, सुपर डार्ट तो मैं अभी तक टेस्टिंग नहीं की है, बट Realme X2 Pro स्मार्टफोन मेरे पास पड़ा हुआ है एंड इट चार्जेस इंस्टेंटेनियसली. एंड अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा बाय द वे आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, आप देखेंगे कि ये स्मार्टफोन कितनी जल्दी चार्ज होता है. सो जहां तक चार्जिंग की बात है, मे बी द Realme X50 Pro विल बी द फास्टेस्ट एवर चार्जिंग स्मार्टफोन इन इंडिया एज ऑफ नाउ. 65 वॉट्स की चार्जिंग इसमें देखने को मिल रही है, एंड इसके जो राइवल्स की बात है उसमें हमें अप टू 55 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी. इफ यू नो व्हाट आई मीन टू से बाय दिस, आपको पता है मैं किस स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं. सो चार्जिंग की बात की जाए तो Realme X50 Pro इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्मार्टफोन इन माय ओपिनियन. मेरी तरफ से लास्ट रीजन Realme X50 Pro स्मार्टफोन को परचेज करने की यह रहेगी कि ऑफकोर्स इट्स में 5G कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, एंड बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेके बोलने वाले हैं कि भाई 5G इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया. एंड बाय द वे जो मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूं कि Realme X50 Pro को आपको परचेज क्यों नहीं करना चाहिए, मैं उसमें भी 5G को पॉइंट आउट करने वाला हूं. बट 5G इज वन थिंग जो दोनों तरफ इस टाइम काम कर सकता है, बिकॉज ऑफकोर्स 5G हमारे पास अभी नहीं है, बट अगर मेरे स्मार्टफोन में 5G कैपेबिलिटी है ऑलरेडी तो दैट सर्टनली मीन्स कि ये जो स्मार्टफोन है Realme X50 Pro एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है. सो आप 3-4 साल तक आगे इस स्मार्टफोन को चला
सकते हैं. ऑफकोर्स अगर आप इसको तोड़ते नहीं है या फिर ये स्मार्टफोन खराब नहीं हो जाता तो Realme X50 Pro इज अ फ्यूचर सेफ स्मार्टफोन एज ऑफ नाउ. सो 5G शुड बी द फिफ्थ थिंग इन माई ओपिनियन बिकॉज ऑफ विच यू शुड बी परचेजिंग द Realme X50 Pro स्मार्टफोन. बोनस रीजंस की अगर बात की जाए तो पहला रीजन मैं Realme X50 Pro को परचेज करने का यह दूंगा कि भाई इसका नाम जो है Realme की जो ब्रांडिंग है वो इंडिया में अब अच्छी खासी हो चुकी है एंड पीपल हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग द Realme ब्रांड. सो Realme का X50 Pro स्मार्टफोन जो होने वाला है उसको लेके लोगों का ट्रस्ट वगैरह पहले से बिल्डअप हो चुका है. वेयर एज जो iQOO स्मार्टफोन आने वाला है, iQOO इज अ रिलेटिवली न्यू ब्रांड हियर. सो हो सकता है लोगों को iQOO में इन्वेस्ट करने में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हो. Realme के स्मार्टफोन्स में जो Realme के एक्चुअल फैंस हैं या फिर जो भी Realme को जानते हैं वो Realme के स्मार्टफोन में इन्वेस्ट करने में मुझे नहीं लगता ज्यादा टेंशन लेंगे. सो दिस कुड बी वन ऑफ द बोनस रीजंस एज टू व्हाई यू शुड बी परचेजिंग द Realme X50 Pro स्मार्टफोन. सो देयर यू गो गाइस, दीज आर द टॉप 5 रीजंस फॉर यू टू बाय द Realme X50 Pro स्मार्टफोन. बाय द वे आपको एक और वीडियो में देने वाला हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन को परचेज क्यों नहीं करना चाहिए. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल. आई होप यू लाइक दिस वन. If you did like this video, don't forget to like, share and subscribe if you haven't already. God bless you all. Peace.